शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित ऐतिहासिक कंट्रोल का पुल आज अपनी बदहाली पर रोना रो रहा है। 1965 में बना ये पुल जहां एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में शुमार रहा, तो वहीं पुल पर पड़े गड्ढे और इन गड्ढों में भरा बरसात का पानी सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। बिलासपुर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जहाँ प्रदेश सरकार का पुल की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वही स्थानीय जनता जल्द ही इस पुल की मरम्मत करवाने के लिए प्रदेश सरकार से अपील कर रही है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित ऐतिहासिक कंद्रोर का पुल आज अपनी बदहाली पर रोना रो रहा है। जी हां, 1965 में बना ये पुल जहां एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में शुमार रहा है, तो वहीं पुल पर पड़े गड्ढे और इन गड्ढों में भरा बरसात का पानी सरकार के विकास के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। वहीं बिलासपुर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जहां प्रदेश सरकार पर पुल की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं स्थानीय जनता जल्द ही इस पुल की मरम्मत करवाने की प्रदेश सरकार से अपील कर रहे हैं। कंद्रोर पुल की बदहाल स्थिति को लेकर बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बंबर ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र होने और नड्डा के पुत्र गिरीश नड्डा के विवाह के बाद 29 फरवरी को विजयपुर में रिसेप्शन पार्टी में शरीक होने प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित वरिष्ठ अधिकारी इसी पुल से होकर गुजरे, मगर किसी ने भी इस पुल की बदहाली की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही बंबर ठाकुर ने जल्द ही कंद्रोर पुल पर पड़े गड्ढों की मरम्मत करवाने की सरकार से अपील भी की है। मुख्यमंत्री जी वैसे तो हवा में चलते हैं हेलीकॉप्टर में, लेकिन वो उस रोड से गुजरे, MLA साहब उस रोड से गुजरे, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तमाम प्रदेश के बड़े ऑफिसर और देश के बड़े नेता नड्डा जी के कार्यक्रम में भी आए और उस पुल से ऊपर से गुजरे, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप एशिया के सबसे बड़े ऊंचे पुल को उसकी मरम्मत नहीं करा सकते भाई रोड चल करके, तो पूरे प्रदेश में क्या हालात सड़कों की बनी हुई है इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जाता है। ये VIP रोड है और माननीय नड्डा जी का रोड है, और उस रोड की हालात यदि इस प्रकार से है तो बाकी सड़कों की क्या हालात होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो पुल है कंद्रोर का, ये शिमला मटौर नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है और लगभग 60-65 साल पुराना जो है और एशिया में सबसे ऊंचा पुल है। ये एक बहुत ही अच्छा और किसी टाइम का बना हुआ जो पुल है, आज इसकी हालत इतनी दयनीय है कि पिछले 6 महीनों से हम लगातार समाचारों में भी दे रहे हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं, विभाग से भी बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। पिछले 4 दिनों से अब भी लगातार बारिश चली हुई है और ये खंडहर की तरह और नाले की तरह नजर आ रहा है। हमें स्थानीय नागरिकों को और बाहर से आने वाले जितने भी नागरिक है कोई देखने के लिए पुल को देखने के लिए यहाँ उतरते हैं, तो उनके आगे बिल्कुल छवि हमारी धूमिल हो रही है कि ये क्या दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो सरकार से हमारे पहले भी हमने कई बार विनम्र निवेदन किया है, न्यूज़ के माध्यम से भी किया है और दूसरे मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसमें गड्ढे पड़े हैं और बाहर को पड़ने पर भरा हुआ है पुल, ना तो उसके पानी को निकालती है, आने जाने वाले व्यक्ति को बहुत दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है। तो हमने बार बार सरकार से भी और प्रशासन से भी गुहार लगाई कि पुल की जो है रिपेयर की जाए, ताकि जो है एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल है इसकी जो है ध्यान से जो है रिपेयर हुए। हम तो ये कहते हैं सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि और इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, गड्ढे बढ़ गए हैं इसमें और इसका कोई आजकल तो साथ में पानी खड़ा हो गया, सारे लोगों को परेशानी हो रही है। आपके लिए सरकार कोई कर रही, थोड़ा सा इंटरफेयर किया कुछ बाकी अच्छे बढ़ा है, तो उसकी रिपेयर की जाए अच्छी तरह से और सभी इसमें ठीक होगा।